हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। गाइस, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग जो है जो वीडियो यूट्यूब में झूठ बोल बोल के एजेंटों के द्वारा जो फैलाई गई है, आप उस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो देन की जो सच्ची बातें होती है। देखो भाई, मेरी कोई एजेंसी नहीं है, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं सिर्फ वीडियोज बनाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, या फिर कुछ हेल्प मैं अपनी वीडियोस के द्वारा आप लोगों की अगर कर सकता हूँ तो मैं वो करना चाहता हूँ। मेरी कोई एजेंसी नहीं, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं सच बात बताता हूँ जो कि मुझे सच्चाई पता होती है, जो रियलिटी है। और एक्चुअली जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला ना, तब से मुझे और ज़्यादा पता लग गया। बोलो कैसे, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि यार मेरी कोई एजेंसी है, तो लोग मुझे ना अपने जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वर्क परमिट होते हैं, ये सब भेजते रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जितने लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने इतने पैसे एजेंट को दिए फिर भी पोलैंड नहीं आ सके, और अगर आए तो उनके कितने पैसे बर्बाद हुए, क्या हुआ, ये सब बात इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने टाइटल में क्यों लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट कम टू पोलैंड। इसका रीजन ये है दोस्तों कि अभी जो है कोरोना काल में बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं पोलैंड में, और सुनने में तो ये आ रहा है कि अब फिर से जो है, अभी तो पूरा पोलैंड रेड जोन में था, अभी पूरा पोलैंड जो है बंद होने वाला है। इतना तक होने वाला है कि हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप जो है पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज अभी रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी जो है जो दिल्ली में वीजा मिलने के चांसेस हैं उसका जो परसेंटेज है भी 50-50 है। 50% मिल भी सकता है, 50% नहीं भी मिल सकता है। आपको प्रॉब्लम क्या है पता है आपके साथ, आप लोगों को एजेंट को तो पैसे चाहिए, वो आपको बोलते हैं कि मैं आपका वर्क परमिट मंगवाता हूँ पोलैंड से, आप मुझे 1,00,000 दे दो, 50,000 दे दो, उसके बाद 50,000 मुझे जो है अपॉइंटमेंट डेट की फीस दे दो, उसकी अच्छी वाली दिहाड़ी बन जाती है और आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और इस बात के मेरे पास प्रूफ है, बहुत से लोगों के मेरे पास जो है कि अभी जो है जो वीजा रिफ्यूज हुआ तो उसके जो पेपर होते हैं वो मुझे भेजे हैं उन्होंने। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि देखो, जो लोग बर्बाद हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना कमाया हुआ पैसा या अपनी मेहनत का पैसा गवा लिया है, उन्होंने तो गवा ही लिया, वो तो वापस नहीं आएगा। एजेंट आपको भी पता कभी पैसे वापस नहीं देता है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज मत दीजिए। अब आप बोलोगे कि यार अगर एजेंट के द्वारा ना आए तो कैसे आए, सबको होता है कि यार बाहर जाना है, पैसा कमाना है। आप बोलोगे खुद तो वहां जाके काम कर रहा और हमें कह रहा है कि नहीं मत आओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पहले यहाँ पर बहुत इजीली हो जाता था, और सच्चाई तो ये भी है कि जब पोलैंड से वर्क परमिट निकलता है तो उस वर्क परमिट निकलने का खर्चा और उस डॉक्यूमेंट को इंडिया भेजने तक मैक्सिमम 10,000 रुपये आता है। अब आप एजेंट को कितना देते हो, आपके जो एजेंट है वो आपसे कितना लेते हैं, ये मुझे नहीं है पता, लेकिन जो खर्चा आता है वर्क परमिट निकालने में और वर्क परमिट को इंडिया जो है बाय पोस्ट भेजने में, टोटल मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 10,000 रुपये आता है। और उसके बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है अभी मिलना, मिल ही नहीं रही है किसी को। तो भी क्या है कि एजेंटों को सेटिंग होती है, ये जो है कि हैक कर देते हैं, तो एजेंट लोग ही जो है आपको डेट दिला पाते हैं। कोई 20,000 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 50 भी ले रहा है, तो वो डेट का खर्चा लगता है। उसके बाद जब आप वहां पर अपने इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में जो है अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपका एजेंट आपको कोई भी पैसा वापस नहीं देता, ये बात सच है और आपको भी पता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी रुक जाओ, अभी मत आओ, हो सकता है कि 2-4 महीने बाद सिचुएशन बेटर हो जाएगी तो शायद पोलैंड एम्बेसी फिर से वीजा देना स्टार्ट कर देगी। अभी जो है जो वीजा मिलने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। अभी जो वीजा मिलेंगे तो सिर्फ उनको मिल रहे हैं जिनके जो है व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जो बड़े बड़े आईटीज वगैरह आते हैं इंडिया से यहाँ पर, उनकी सैलरी जो होती है बहुत ही हाई फाई सैलरी होती है, और उनके जो यहाँ से कंपनी होती है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ उनको वर्क परमिट देती हैं और उसमें सैलरी भी उसी हिसाब से मेंशन की होती है। और इतनी बड़ी कंपनी से अगर किसी के लिए वर्क परमिट गया और जिसमें सैलरी ऑलरेडी इंडिया की 1.5-2 लाख रुपये मेंशन होगी, 2-2.5 लाख रुपये मेंशन होगी, तो उनको तो वीजा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं उनको अभी, लेकिन जो छोटे मोटे लेबर वर्क हो गया, कोई कह रहा मीट कटिंग, कोई रेस्टोरेंट, ये वो जो छोटी मोटी जॉब वाले हैं वो अभी पोलैंड नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो है पोलैंड एम्बेसी वीजा नहीं दे रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी रुक जाओ, अभी किसी एजेंट को पैसे मत दो,
क्योंकि अगर आप पैसा दोगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, या फिर अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि किसने बोला कि नहीं जा सकते, मैं आपको भेज के दिखाऊंगा, जैसे झूठा प्रॉमिस करते ही हैं। तो अगर आपको कोई इतना प्रॉमिस कर रहा है तो उसको बोलिए कि ठीक है सर, हम जाएंगे, लेकिन हम आपको पैसा तब देंगे जब हमारे पासपोर्ट में वीजा लग जाएगा। उसके बाद जो भी आपके बीच में डिस्कस होता है, जितने में भी आप अग्री होते हो दोनों कि इतने पैसे आपको देंगे, तो पैसे उसको तब दो जब जो है आपका जो है वीजा पासपोर्ट में लग जाए। उसके बाद आप पैसे दे दो, फिर आप इजिली पोलैंड आ सकते हो अगर आपका वीजा लग गया, लेकिन उसको पहले पैसे मत दो। और अगर पहले वो बोलता है कि यार ना वर्क परमिट का खर्चा लगता है, वीजा निकालने का खर्चा लगता है, तो अगर लगता ही है तो 10-20 हजार रुपए दे दो, इससे ज्यादा मत दो। और जब आपका वीजा लग जाए तभी आप जो है पैसे दो, क्योंकि अगर आपने पहले अगर पैसे दे दिए और फिर जो है कि आपका जो है वीजा रिफ्यूज हो गया, आप बहुत परेशान हो जाओगे। मुझे पता है कि एजेंट लोग 1-2 लाख रुपए नहीं तो 1 लाख तो पहले ले ही लेते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि पहले पैसे मत दो, तभी पैसे दो जब काम हो जाए। और अगर अभी तक नहीं दिए हैं पैसे तो फिलहाल रुक जाओ, क्योंकि अभी पोलैंड में जो है बहुत ज़्यादा बुरे हाल कोरोना ने तो कर ही रखे हैं। यहाँ के खुद के लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो एशियन लोग हैं या फिर पोलिश लोग हैं जो यहाँ पर, वो खुद बेरोजगार घूम रहे हैं, तो नए लोगों को वीजा कैसे दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए जो है वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी रोजगार नहीं है, यहाँ पर अभी जॉब्स नहीं है, सबकी जॉब छूट गई है कोरोना के चक्कर में, इसलिए यहाँ पर अभी जो है आना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अभी जो है कि फिलहाल मत पड़िए इस चक्कर में। और अगर कोई एजेंट फिर भी आपको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको भेजेंगे, तो उनको बोलो ठीक है सर, आप हमें भेजिए, हम आपको पैसा तब देंगे जब जो है हमारा वीजा लग जाएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास इतने मेल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के जिनके वीजा रिफ्यूज हो गए हैं और एजेंट ने पैसे ले लिए हैं। हो सकता है कोई एजेंट सही हो, अच्छा काम करता हो, लेकिन उनको बोलो कि हम पैसा तब देंगे जब हमारे पासपोर्ट में वीजा लग जाएगा, पहले नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब में ऐसे वीडियोज देख रहा था, तो बंदा पता क्या बोल रहा है कि पोलैंड अगर आप टूरिस्ट वीजा में आते हो तो फिर आपको जो है पोलैंड आके TRC मिल जाता है 3 साल का। और वो वीडियो कोई पुरानी नहीं थी, 1 महीने पुरानी वीडियो था। अरे भाई, 3 साल पहले रूल चेंज हो गया था कि जब कोई टूरिस्ट वीजा में आता था पोलैंड, और टूरिस्ट वीजा में आने के बाद अगर आपको काम मिल जाता था तो आप जो है अपना वर्क परमिट बना के 3 साल के लिए TRC ले सकते थे। लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं, जो टूरिस्ट वीजा में आया होगा उसको वापस जाना पड़ता है। जब तक वर्क परमिट नहीं है तब तक आपको जो है TRC नहीं मिलता, जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है। टूरिस्ट वीजा कभी भी जो है TRC के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, और ये यहाँ पर अब नहीं 3 साल पहले जो है बंद हो गया था। लेकिन वो बंदा अब इस बात को वीडियो में बता रहा है कि मिल जाता है, और आप लोगों को लगता है यार ये तो झूठ बोल रहा है वीडियो में, वो तो कह रहा है कि मिल जाता है। भाई ऐसा नहीं है, मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा झूठ बोल के, क्यों बोलूंगा मैं झूठ। और जो है कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि भाई यार अगर एजेंट के द्वारा नहीं आना है तो पोलैंड कैसे आया जाए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पोलैंड आने के और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी जो है वो ऑप्शंस भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जॉब ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आजकल उसके लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें हम जो है जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं पोलैंड के लिए, अगर हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश में कहीं पर भी हैं और हम पोलैंड जाना चाहते हैं बिना एजेंट को पैसे दिए हुए तो कैसे जा सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ अच्छे से, मैं उसके बारे में एक वीडियो आपके लिए बना लूंगा। गाइस, यही था आज की वीडियो में, होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक्चुअली पसंद तो क्या ही होगी, लेकिन हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।